वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक, हम लोग भी आप लोग की दुआओं से बिल्कुल ठीक लग रहा है। हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, मैं फर्स्ट क्लास में, मिली सेकेंड और मामा थर्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और हेलो जी, कैसे हैं आप? और मेरी तरफ से यानी कि किजिया फैमिली ब्लॉग की तरफ से आप सबको चांदरात मुबारक हो। हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को चांदरात मुबारक हो और एडवांस में करके लिए ईद भी मुबारक हो। और मामा जो लोग अभी ईद मना रहे हैं, हाँ, जो बाहर के मुल्कों में ईद मना रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। बहुत और बहुत बहुत हमारी तरफ से नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि वो खुदा करे कि वो ऐसी हजारों ईदें मनाए जिसमें खुशियां हों और उनकी आगे जो है दूसरों को भी खुशियां बांटने वाले हों। और तो अभी चलते हैं, मामा से पूछते हैं। पहले मैं बिल्ली से पूछती हूँ। मिली, आप बताओ, आप चांद रात पे मतलब क्या कभी कुछ किया, मतलब कुछ भी? नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या होता है। अच्छा, आप होते हैं स्कूल में फ्रेंड्स के साथ कभी भी कुछ नहीं? अच्छा, तो आप बताओ ना, आपको बताओ। मैंने भी कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन लास्ट जब मैं जॉब करती थी वहाँ पे मेरी बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स थी, तो मैं शॉपिंग पे गई एक दिन और मैं आई सुबह और फिर मेरी करी थी फरू ने थोड़ी सी क्लास, क्योंकि मैं दो तीन ऐसी चांद रातों में बाहर ही घूमी हूँ। तो कुछ नहीं, बस वही था कि अच्छा एक्सपीरियंस भी था। लोग शॉपिंग करती थी, मेहंदी लगवाती थी, चूड़ियाँ, तो अच्छा लगता था मुझे तो देख कर बहुत। और तो कुछ भी नहीं, बढ़िया। अब मामा ही बताएंगे तो बोल दे। हाँ जी, मैं ये कहूँगी कि जब मैंने देखा हम जब छोटे थे तो हमारा जो था ज़्यादातर जो थे हमारा क्रिश्चियन घर से हमारा ही था, बाकी हमारा आस पड़ोस जो था वो सब मुस्लिम थे। तो हम भी उनके साथ जैसे वो ईद की खुशियाँ मना रहे होते थे कि चूड़ियाँ मेहंदी और ये शॉपिंग वगैरह, तो हम भी देखते होते थे तो हम भी खुश होते थे। और हम शॉपिंग तो नहीं, लेकिन चूड़ियाँ मेहंदी तो हम भी लगाते थे और चूड़ियाँ भी पहनते थे और उनकी खुशी में हम भी शरीक होते थे। स्पेशली जब वो सुबह सवैयाँ और ये सब होता था तो हम लोग की दोस्तें हमारे घर लेकर आती थी, फिर हम उनके साथ दूसरे और दोस्तों के घरों में भी जाते थे। एक दूसरे के घरों में जाना, मिलना, बैठना तो बहुत अच्छा लगता था। अभी भी अच्छा लगता होगा जो बच्चे हैं छोटे, अब तो हम बूढ़े हो रहे इसलिए हमें अब इतना एक्सपीरियंस, ये बच्ची ऐसी है इसको कुछ पता नहीं कि चांद रात में क्या होता है। चांद रात तो कुछ भी हो, हाँ, इसको नहीं पता। आज ये लोग कह रहे थे सब कि हम चांद रात होगी तो हम घूमने जाएंगे, मगर इनको कोई लेके नहीं गया, हमें कोई लेके नहीं गया, कहते रश बहुत होता है। रश बहुत, वरना हमने जाना था आज। अना मिली, देखने में तो मजा आता है मम्मा, बाहर जाओ इस टाइम पे इतना रश होता है, पूरी रात औरतें भी बाहर रुकी हैं रोड पे, खूब शॉपिंग कर रहे होंगे, शॉपिंग की एंडिंग की शॉपिंग जो है आज सब कंप्लीट करेंगे और कल सब जो है वो ईद मुबारक हो जाएगी मामा के लिए। ईद मनाएंगे और ईद की शॉपिंग वगैरह सारी जो रह गई है, पार्लर के काम, मेहंदी के, पार्लर तो मम्मा आखिरी दम तक नहीं छोड़े कोई, तो का तो ये काम है जाहिर है, हम भी ये सब कुछ करते तो एक दफा फिर हमारे सब की तरफ से, हम सब की तरफ से, किजिया फैमिली ब्लॉग की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक, पाकिस्तान को चांद रात और ईद मुबारक, चांद रात। तो हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो, दिली ईद मुबारक जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताना, जो कि आप लोग कमेंट्स करते नहीं हो। क्या नहीं करते मिली, ये लोग पहले जैसे बोल रही थी बोल ना, कैसे बोल रहा था जैसे पहले बोलता, शियार नहीं बनो, कैसे बोल रहा था, नहीं याद आ रहा ना आपको, और भूल जाए कमेंट्स करो बोलो कमेंट्स।
तो ये करना जो आप लोग करते नहीं हो, तो मेरे चैनल पर अगर नहीं हो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया करो, क्योंकि एक बढ़ता है ना तो रात तक वापस एक पीछे भी चला जाता है। तो रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और हम सबको अपनी दुआ में याद रखना। बाय बाय।